हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने 1 मिनट 1 कंसेप्ट का एक वीडियो लेके आई हूँ। तो वही मैं आपके सामने दो सवाल करवाऊंगी आपको, दो सवाल एक नए कंसेप्ट के साथ। 2 क्वेश्चंस होंगे, एक न्यू कंसेप्ट सीखोगे आज सब इस वीडियो में। मात्र 2 से 3 मिनट का समय लूंगी मैं, और रेगुलरली ये वीडियो आपका सुबह 9 बजे आती है। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं, आज पहली बार हमसे जुड़े हैं, आज फर्स्ट टाइम ही वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, शेयर कर दीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। सवाल पढ़ते हैं। 3 लोग हैं जिनकी सैलरी A:B:3, 3 लोग की सैलरी है 2:3:5 के रेशियो में। अगर सी की सैलरी क्या है, 12,000 ज्यादा है ए से। देखो 12,000 ज्यादा है, यहाँ पे देखिए सी की सैलरी अगर 2 है तो सॉरी ए की सैलरी 2 है तो सी की 5 है, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। पर सवाल में बोला है 3 नहीं, 12,000 ज्यादा है। कितने गुणा पे है, इनटू का 3, 4 जो 12, 4,000 गुणा पे ज्यादा है। ठीक है, कितने गुणा पे ज्यादा है, 4,000 गुणा पे। तो हमें निकालना है बी की सैलरी, बी की कितनी है, 3, तो 3 × 12,000 कितना हो जाएगा आपका, 3 × 4,000 कितना हो जाएगा आपका, 12,000। 12,000 ज्यादा है, 12 ही ठीक है, 12, 4,000। और हमें बताना है बी की एनुअल सैलरी। अच्छा, तो कितना हो जाएगा, 12,000। ये तो उसकी मंथली सैलरी है, पर हमें क्या निकालना है, यही बड़े लोग गलती कर देंगे। देखो 1, 2, 3, 0, यहाँ पे जीरो काउंट नहीं करेंगे और सीधा इसको टिक लगाएंगे, जो मैं अभी करने वाली थी क्योंकि मैंने सवाल पूरा नहीं पढ़ा था। पर लास्ट में देखिए एनुअल सैलरी पूछी है, तो 12,000 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से, तो 1, 4, 4, 1, 2, 3 आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ए सही नहीं होगा। समझ में आया? तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मूर्खता दिखाते हैं और आंखें बंद करके ए को टिक कर दो, कि 1, 2, 000 आ रहा था, यहाँ 4 0, हमने ये तो ध्यान दिया ही नहीं कितने जीरो है, सीधा 1, 2 है, टिक लगाया। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे ही एग्जाम भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। अगला सवाल से नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए आपका सवाल है, 2 लोगों की इनकम ए और बी की इनकम ले जाती हूँ, ए और बी की इनकम कितनी है, 4:3 में है, ये इनकम है। खर्च कितना है इनका, 3:1 में खर्च है इनका, इनकम है खर्च इतना है, बताते कितने, 60,000 रुपए कमाते हैं साल के अंत में, 60,000 रुपए कमाते हैं। अब देखो इनकम और खर्च इतना है, बचाने का मतलब कितना हो गया, सेविंग्स का मतलब इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, ये सेविंग्स। देखो यहाँ गैप 1 का है, यहाँ भी गैप 1 का है, पर जो ये गैप है वो किसका है, 1 का नहीं, 60,000 का होना चाहिए था, कितने का, 60,000 का। तो ए की इनकम कितनी हो गई, 4 × 6,000 कितनी हो जाएगी, 6 × 24, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 4 0 आपका सही आंसर है। सिंपल, कितना आसान सवाल था, ये बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आपका कॉमन डिफरेंस दे रखा हो, जैसे 60,000 कॉमन डिफरेंस इसमें भी और इसमें भी, तो आपको केवल ये चीज चेक करनी है इनमें डिफरेंस सेम है या नहीं है, इस चीज को देखते ही आपका सिंपल आंसर आ जाएगा, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। इससे आसान तरीका नहीं है इन सवालों को सॉल्व करने का, ये ऐसे सवाल आपके एज में भी काम आता है, एक्सपेंडिचर वाले में भी काम आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में कभी कभी काम आता है, काफी जगह ये सवाल आपका काम आएगा। ओके, तो अगर आपको पसंद आया है क्लास तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर कीजिएगा, और जितने नए बच्चे जुड़े हैं हमसे पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कम समय में मार्च से मिनट होंगे मुश्किल से 3 से 4 मिनट के अंदर मैंने आपको 2 नए कंसेप्ट सिखा दिए। ओके, टेक केयर, बाय, कल वापस से मिलेंगे।